मेहनत करते हैं और हर काम जो है वो करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। वीडियो बना रहे हैं उसी स्टैंड से, हम जो है वीडियो बना रहे हैं और हमारी जो जरूरत एडजस्ट करना होगा, ये मूव भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरे से होंगे और अल्लाह के फजल और करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं, भाई हैं, दुख और तकलीफ में हैं, तो अल्लाह ताला उन सब की जो है दुख और तकलीफ दूर करे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आगाज़ करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आपने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो व्यूअर्स, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक बोतल है और मेरे भाई और मैं मिल के क्या बनाने वाले हैं आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो आपने हमारी वीडियो के साथ रहना है और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करना। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो मैं भी जो है गया था ये लकड़ियाँ बनाने जो बिल्कुल सीधी और बराबर हैं, और आज हम इनसे जो है एक ऐसी चीज़ बनाने वाले हैं जिसे जो है एक और बंदे की हमें मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी, जिसको जो है हम मिन्नतें करके मोबाइल पकड़वाते थे और वो हमारी जो है वीडियो बनाता था। आज हम खुद से एक कैमरा स्टैंड बना रहे हैं जो कि हमारी वीडियो बनाने में हमारी मदद करेगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की जो वीडियो है और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं, हमारे पास ये लकड़ियाँ हैं। मैं स्टैंड लेने गया हूँ तो वहाँ उन्होंने इसका रेट जो बताया वो बताया मुझे 1200 रुपये। तो मैंने सोचा है कि ये बहुत ज़्यादा महंगा है और वो बहुत हल्का था और मुझे वो नहीं सही लगा, इसलिए मैंने सोचा है कि एक तो वो पैसे भी बच जाएंगे और दूसरा जो है हमारा स्टैंड भी जो है बन जाएगा। और आज हम आपसे भी शेयर करते हैं कि हम वो स्टैंड कैसे बनाते हैं। तो आपने वीडियो को जो है पूरा देखना है और अभी चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके लिए ज़रूरत है और बनानी है। क्योंकि व्यूअर्स, मेरे भाई के आगे जो है कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि वो हर काम आसानी से कर लेता है। जुगाड़ इस तरह के मैं लगाता रहता हूँ, हर काम आसानी से कर लेता है, तो ये तो उनके लिए बहुत ज़्यादा। मैंने सिर्फ उसको देखा था कि ये इस तरह का बना हुआ है, तो मैंने कहा ये तो कोई मुश्किल नहीं है, ये तो हम जो है इजीली बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये तीन लकड़ियाँ ली हुई हैं। ये मेरे पास एक बोतल है जो हम कूड़े क्रिकेट से लेके आए हैं और इसको धो के ना अभी इसको जाके आगे माशाल्लाह से हमने सामान जो है वो इकट्ठा करके हम चार पाई पे बैठ गए हैं और अभी हम छुरी की मदद से इसको जो है यहाँ से काट देते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ से काट ली है और यही चीज़ हमें ज़रूरत थी, और ये वाली बोतल इसका जो है कोई काम नहीं है, चले ये कोई और काम आ जाएगी पानी वगैरह भरने के ना। और ये एक प्लेट, ये भी मैंने कबाड़े से ढूंढी है, ये एक जस की या लूहे की इस तरह की एक चीज़ है। तो ये बोतल मैंने, ये भी मैं कबाड़े से ढूंढ के आया हूँ। तो इसके अलावा ये लकड़ियाँ भी मैं तोड़ के ले आया हूँ को जो है किस तरह वो बनाते हैं। वैसे भी हमें जो है बहुत ज़्यादा मिन्नतें करनी पड़ती थी, ये जो कैमरा मैन खड़ा हुआ है ये कहता है था कि मेरा अपने काम होते हैं, मैं आपका मोबाइल पकड़ूँ, आपकी वीडियो बनाऊँ, तो इनकी बातों से अच्छा है कि हम अपना कोई जुगाड़ लगा लें। मुस्तकिल जो है अभी छोटा है वो नहीं पकड़ सकता, तो ये जो मेरी छोटिया पे है वो पकड़ती है और कभी कहती है कि मुझे घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके भी तो काम होते हैं ना, सही बात है ना, इनके भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो इस वजह से ये हमारा जो है कैमरामैन अभी इनकी छुट्टी हम करवाने वाले हैं। आज के बाद इनकी छुट्टी है, आज के बाद इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। जितनी भी हमारी बहनें और भाई हमें देखते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो सब बहनों और भाइयों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये सब आप व्यूअर्स की, आप देखने वालों की मोहब्बत है, वरना हम जो है कहाँ यहाँ तक पहुँच सकते थे। हाँ भाई ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आपकी मोहब्बत की वजह से जो है हम इतनी आगे पहुँचे हैं, तो अभी भी हम आपकी मोहब्बत की हमें बहुत
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब हमने चैनल बनाया था तो हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, तो इसलिए हमने चैनल बनाया था, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मजबूरी में जो है हमने चैनल बनाया है, किसी से कोई भी यूट्यूब पर नहीं आता, मजबूरन तो हम नहीं, कोई लोग होते हैं वो अपने फेम के लिए आते हैं, तो हमें फेम वगैरह की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना जो है रोज़ी करनी है। यहाँ पर नट बोल्ट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है इसी से ही गुजारा चलाते हैं। और ये देखें, ये इसके अंदर चली गई है और हमने इसके ऊपर इसको जो है अच्छी तरह से कस देना है, और कसने के बाद ये हमारे पास जो प्लेट है इसको इसका एंगल इस तरह से बनाना है कि इसके मोबाइल जो है अच्छी तरह, ये इतनी हार्ड नहीं है लेकिन मोबाइल इसमें हम जो है इजीली जो है वो रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हमने इसके ऊपर कस दिया है, ये यहाँ पर टाइट हो गया है और ये कहीं भी नहीं जाता, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये स्टैंड जो है बन गया है। इसमें हम मोबाइल खड़ा करेंगे और टेप की मदद से ये जो लकड़ी है ये स्टैंड का काम करेंगी। ये हम तीन लकड़ियाँ जो है टेप की मदद से इसके साथ जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद इसको दोबारा कसेंगे। फिलहाल इसको जो है हम खोलते हैं, लकड़ियाँ लगा दें, उसके बाद जो है इसमें आपको अभी वीडियो भी शूट करके दिखाएंगे कि जो हमने स्टैंड बनाया उसमें वीडियो हमारी किस तरह बनती है। ये क्या इसके साथ जोड़ दिए, अभी जो है तीसरी लकड़ी जो है मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ। हमारा स्टैंड तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अभी इस पर हम वीडियो भी बनाएंगे, इस पर मोबाइल लगा के कि किस तरह से जो है हम इसमें मोबाइल लगा के वीडियो बना सकते हैं। ये इनको मजबूती से मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि बाद में जब हमने वीडियो बना रहे हूँ ऐसा ना हो कि हमारा मोबाइल ही गिर जाए। लेकिन ये बहुत मजबूत है, ये कहीं भी नहीं जाता, उस स्टैंड से बहुत अच्छा है। वो मैंने जब देखा है तो उसका वज़न बिल्कुल नहीं था और वो जब उस पर मोबाइल खड़ा करते तो शायद मोबाइल ही गिर जाता। इसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, छोटा बड़ा जहाँ पर, हम इसको यहाँ पे खड़ा करते हैं और इसमें मोबाइल जो है रख के वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें, ये हमारा स्टैंड है, यहाँ पर हमने मोबाइल रखना है और ये जो है स्टैंड के तौर पर जो है काम करें। हमारा स्टैंड जो है बन चुका है, तो माशाल्लाह से मेरे भाई की मेहनत बहुत ज़्यादा है जो है ज़ाया नहीं गई है और इस मेहनत से वो कामयाब हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं उनका ये जो है बन चुका है, तो हम इन पे मोबाइल भी लगा कर अभी हम इस पे मोबाइल जो है रखते हैं और फिर जो है आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो हम बहुत मेहनत से ये बना चुके हैं, तो हमारा कामयाब हो चुका है। इसको हम जहाँ पे हमें एडजस्ट करना होगा ये मूव भी कर सकता है और ऊपर नीचे कर सकते हैं। इनकी मदद से हम जो है इनका लेबल वगैरह जो है सही कर सकते हैं। और ये हमारा जो स्टैंड है वो कंप्लीट हो चुका है, इसको मूव करने के बाद यहाँ पर हम इसको टाइट कर देते हैं तो इसकी जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी, अब ये नहीं हिल रहा। तो यहाँ से हम इसको जो है माशाल्लाह से जो हमने स्टैंड बनाया उसको ले आए हम बाहर और अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं उसी स्टैंड से हम जो है वीडियो बना रहे हैं और हमारी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो चुकी है, पैसे लगाने से भी हम बच गए हैं और ये स्टैंड जो था हमारा कामयाब हो चुका है। तो भाई जो है बहुत ज़्यादा इन पर मेहनत की है तो कामयाब हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और हर काम जो है वो करते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला हाँ हर ऐसे भाइयों को कामयाब करे। तो मेरे भाई को जिस तरह अल्लाह ताला ने कामयाब किया है, तो भाई ये देखें ये बना भी लिया है, हम वीडियो भी बना रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम इसी तरह वीडियो बनाया करेंगे, हमें जो है दूसरों की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी जिस तरह पहले करनी पड़ती थी।
हवा बहुत मजे की चल रही है और ये स्टैंड हमारा बहुत ज्यादा मजबूत है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ना ही इसे मोबाइल गिर सकता है। मैंने अच्छी तरह से चेक करके जो है इसको लगाया है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग और थोड़ा सा तजर्बा जो आप लोगों से शेयर किया। वीडियो कैसी लगी है तो आपने जरूर बताना है और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।